पहुंच गए तो सारे गले में रस्सा डाल के घसीट के लेके जा रहे थे, इतनी बड़ी थी वो, गले में खुद देखी थी। फाइनली बड़े सारे लोग कह रहे हैं तनु भाई सफारी की तरह, लो जी यहाँ पे जो है वो टच कर रहा है रो लॉक, यहाँ से निकल के आराम से थोड़ा अपनी साइड, नहीं 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 पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर आपके घर के आसपास हर दम कंस्ट्रक्शन होती रहे तो क्या आप उसकी कहीं कंप्लेंट कर सकते हो? ये रात को ही बंद नहीं करते हैं, पता नहीं ओवर टाइम करते हैं क्या करते हैं। आज है संडे और संडे को आप लोगों को पता है कि ऑफ रोड का हमारा छोटा मोटा सा प्लान रहता है, और हमने अपनी गाड़ी में जो है टायर अपग्रेड कराए थे, उसके बाद इसके साथ कोई ऑफ रोड नहीं किया, और भी इसमें माइनर छोटी मोटी चीज़ें जो हमने की हैं। तो आज के ऑफ रोड पे जो मेन चीज़ है कि हमें अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी टेस्ट करनी है कि भाई मॉड बूट करने के बाद इसमें कोई फर्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, सब लोग जो है हमारा वेट कर रहे हैं। सो गाइस पहले क्या है कि मैं हर एक काम पे क्या है हमेशा जल्दी और टाइम से ही पहुंचता हूं, जब से भैया साथ में आया मैं कहीं टाइम से नहीं पहुंचता। और ना क्या है आपका मसला, क्या कर रहे हैं थोड़ा लेट हो गए थे। तो गाइस अभी क्या है कि सब लोगों को हमने बोला था कि यहां सीट शॉपी के बाहर ही तरुण भाई का कॉल भी आ गया मेरे को, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। सारे तो आज यहीं पे मीटअप हो रहा है मेरे को लग रहा है। फाइनली टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे और हमें अभी फटाफट गाड़ियां वाड़ियां देख सकते हो आप, ऐसा लगता है मुझे मेरा ही इंतजार हो रहा था। सो गाइस इधर देख सकते हो आप, सौरभ भैया हाथ मिलाओ पहले, कहाँ जा रहे हो? जिप्सी लेकर आए हैं लेकिन ऑफ रोड से पहले ही वापस जा रहे हैं, अब आपको बताना पड़ेगा क्यों। चलो वो मैं बाद में कवर कर दूंगा कैसे करना। और भैया आप भी ठीक हो? आप भी आज पहली बार जाने वाले थे सौरभ भैया ने, सौरभ भैया क्यों करते हो ऐसे? अब नेक्स्ट ऑफ रोड अखनूर भी फिर सुना। फिलहाल क्या है कि लगभग आधे एक घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो अक्षय भाई बैठे हैं, क्या हाल चाल है जी? और ये भैया तो साथ ही आए थे रोहन भाई और यहाँ सुमन्यु भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो चलिए और बाकी उधर देखो, उधर भी भाई काम ही चल रहा है। चलो नहीं भैया, ऑल गुड। सो गाइस साहिल भैया भी आ चुके हैं, और साहिल भैया ठीक हो? किधर जा रहे हो? जहाँ आप लेके जाओगे भैया अच्छा, आपके साथ ही जाना। अच्छा पहले कहीं और गए हुए थे, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलो चलो राहुल भाई ठीक हो? मेरे को लगता है ऑफ रोड पहले करके आ गए हो, बम्पर पे टूट गया। ओ यार कोई नहीं, वो तो इनके चैनल पे आई जाएगी, बट ये किया गलती है जो भी है। पहले प्लान कुछ अलग थे बट अभी प्लान में थोड़ा सा हो गया चेंजेस। गाड़ियां आप देख रहे हो सारी आ चुकी हैं लाइनअप में, और अपनी जिमनी भी है बिकॉज आज जिमनी की टेस्टिंग तो बनती है। तो चलो ठीक है निकलते हैं और देखते हैं जो भी सीन्स रहते हैं। गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर। हाँ जी सनी भैया जी, क्या कर रहे हो? हेल्प देख रहे हो गाइस, ऐसे हेल्प होती है। और जी ठीक हो? आप भी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई। ये देखो स्टैनले का इन्होंने टूल किट साथ में रखा हुआ है, ये लगता है इसको थोड़ा सा गायब करना पड़ेगा। सनी भैया स्नॉर्कल देखने जा रहे हैं, सही है ना? ये होता है स्नॉर्कल, पितू पता भी नहीं चलेगा स्नॉर्कल लगा हुआ है। एक्चुअली मैं बात ये कर रहा था कि तीनों गाड़ियां जो है हमारी स्नॉर्कल वाली है, ये फॉर्चुनर भी और इसुजु भी, बट मेरे वाला स्नॉर्कल जो है वो बिल्कुल ही इतना सा छोटा। देखो जैसे उनमें वो निकली हुई है ना ऊपर, लाओ जी लाओ। क्या है कल बम्पर हिट हो जाने की वजह से ना ये जो है पीछे आ गई है, तो ये गाड़ी को बार बार टच कर रही है इसलिए खोल दे। फाइनली क्या है कि सिद्धरा पहुंच गया, लाइनअप यहाँ शुरू हो चुका है, गाड़ियाँ आप देख सकते हो। तो पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोवा वाइब्स भाई, वाइब हो तो ऐसी हो हाथ उठा ले। तो चलिए और जी आप भी ठीक हो? रेडी हो? चलो जी। और ये आ गई इनकी गाड़ी तीन, एंड पीछे एक और गाड़ी है, तो आई थिंक सारी गाड़ियाँ जो है वो आ चुके हैं। हाँ जी गोवा वाइब्स है, ठीक है ठीक है। और जी आप ठीक हो? बढ़िया। चलो जी फिलहाल क्या है कि अभी पहुंच गए सारे, गले में रस्सा डाल के घसीट के लेके जा रहे थे, इतनी बड़ी थी वो, गले में खुद देखी थी कितना सारा रिकॉर्ड हो रहा है। संगन संगन ये जिमनी के साथ में टेस्टिंग कर रहे हैं कितने लोग आ सकते हैं। हाँ। तीन लोग कंफर्टेबली बैठे थोड़ी सी हो रही है कंफ्यूजन, तो अभी ट्रैक का कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कहाँ जाना है कैसे, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। आज ऑफ रोड क्योंकि लेट हो चुके हैं काफी ज्यादा, तो देखते हैं अभी क्या सीन है क्या बनता है। हम लोग कर रहे हैं लीड, तो उसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ तो पीछे कोई ना कोई गाड़ी ट्रैक में फंस जाएगी, बिकॉज गाड़ियाँ ज्यादा है ट्रैक लंबा है, तो इसलिए सीधा जाके हम पॉइंट पे ही रुकेंगे और वहीं से आगे जो है गेम चलेगी। तो आई थिंक अपने मेन पॉइंट तक हम ऑलमोस्ट देयर हैं, पहुंच तो चुके हैं। अभी ट्रैक्टर आएगा तो उससे हमें ना क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कितनी रेत है और कैसे है। और यहाँ देखिए जी क्या हाल चल है जी, ठीक हो? क्या लेकर आए हो? 4x4 चल रहा है पक्का? नहीं हाँ हाँ चल रहा है। सही
अंदर लगती है सट पता नहीं चल रही। काफी चली, देखते हैं इनको लगेगा नीचे। नहीं इनको नहीं लगा। डूबे 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 ऐसा रस्ते ऐसे करते हैं, झाड़ से फंसाना चाह रहे हो गाड़ी। चलो जान दो, बस 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 जान दो, अब नहीं फंसेगी। 4x2 में थी तभी फंस रही थी, जान दो। लो जी, मतलब मैं चाह रहा था इस बार कुछ नया करें, दैट्स व्हाई मैंने रास्ते का कहीं भी कुछ भी शूट नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि जो चीज़ आपको पहले दिखा दी है वो नहीं दिखानी है, कुछ नया दिखाएंगे। एंड वी हैव जिमनी, और मेन आज के ऑफ रोड पे आने का एक रीज़न यही था जिमनी को लेके, इसके टायर से इसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है वो चेक करना। तो आई थिंक गाड़ी कोई पीछे फंस गई है, चलो निकल गई होगी। चलो जी, ये एक नई थार आई है हमारे ग्रुप में। जंप करवाई थोड़ी सी, फाइनली। बड़े सारे लोग कह रहे तो भाई सफारी की तरह, लो जी आ गई है सफारी भी। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था 4x4 इसका वर्किंग नहीं कर रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं, बट शायद अभी चल रहा है, चल रहा है। अगर 4x4 नहीं चल रहा होता तो ये नहीं चढ़ती। तो जी आ गई है थार, फ्लाइंग थार है, अब से सिर्फ थार नहीं रही है। अभी भी स्पीड देखो आप, आज स्लो रही है। ए, ए, ए। उनको बोलो थार आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, टच काफ़ी गंदा था। तो एक्चुअली टायर मेरा बड़ा तो है, बट क्या है वो टच तो कर ही रहा है आगे, यहाँ पे जो है वो टच कर रहा है, ठीक है ना। ये मेरे दो लॉक यहाँ से निकल गए क्योंकि वो टच कर रहा है ना इसके साथ। आई बिलीव कि ये है थोड़ा सा रिस्की है, अगर गाड़ी कोई भी फंस गई तो। थोड़ी स्टच करी, चलो जहन करके इसको फंसा रहे हैं। ये 4x2 में ही थी अभी तक, बट इसुजु का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है अगर इसके चारों टायर स्पिन करके दस जाए ना। सनी भैया कई बार ऐसे ऐसे चारों में फंस जाते हैं। नहीं मैं इतना ज्यादा कर ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं। समझदार है, चलाकियां चलाकियां जरूरी है ना। यहाँ से जिप्सी जिमनी उतारते नीचे, तो सीधा कर पहले। ओ ये देखो, आपको देखने में लग रहा होगा छोटा है, लेकिन अभी यहाँ से गाड़ी जब पूरे एंगल पे जाएगी ना, और मेरा मन है कि मैं ऐसे ना जिमनी जिमनी को लेकर जाऊंगा। पीछे नहीं आनी, चल कैसे ठीक है। ये देखो कुछ तरुण भैया की जिमनी आ रही है यहाँ से, बहुत स्टीप है ये, आप देख सकते हो। लाइक मैं बता सकता हूँ तो 4 फीट से ज्यादा ही होगा। आई एम 5'5" हाँ, ये देख लीजिए आप, चेक कर मुंडे जी तू हाइट चेक कर, सीधी कर ले पहले। हाँ बहुत बढ़िया एंगल चेक करें आप अभी तरुण भैया, पहले कुछ अपने हिसाब से आकर एक बार चेक। आराम से थोड़ा अपनी साइड, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, आराम से, बहुत अच्छा, बहुत इजीली। सारे भाई तरुण भाई की बहुत इजी, आराम से, इजी इजी, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बहुत इजी। आने दो, आने दो, यस यस यस, डन, पीछे से आराम से, पिछला नंबर टच हो रहा है, ओके ओके, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इज इट गुड, यस इट वाज वेरी नाइस, बहुत। जिप्सी जो है वो फिर से फंस गई है, ठीक है, यहाँ पे तो थार वार तो निकल गई आगे। क्या है कि हम लोगों ने गाड़ियाँ जो है यहीं पे लगा दी, ठीक है। जैसे मेरी जिप्सी आपको थोड़ी सी दिख रही होगी कि बैठी है, बट ये बैठी नहीं है, आराम से निकल जाएगी विदाउट एनी इशू। वो जो है जिप्सी फंसी हुई है वहाँ पे, उसको अभी टो स्ट्रैप डाल के निकाल रहे हैं, चलो अभी उसे लगाएंगे झटका। चलो
चलिए चलते हैं हम भी आगे लेके। बाकी कुछ नहीं, बट इस जगह से सबसे सही चीज़ है ना, जो वैसे तो बहुत बार आगे बट फिर भी जो इसका व्यू और जो नेचर की सीनरी है ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मेरे को। ये सफारी अब आ रही है आसमान की ऊंचाइयों पर। ओहो, तो ये होता है भाई। भाई अब आपकी रिकवरी कौन करेगा? अच्छा अमित अपनी गाड़ी, चलो ठीक है। ये देखो अभी चप्पल ढूंढ रहे हैं बट वो मिलना मुश्किल ही है। ये रेत घर लेके जाना है क्या? ये मैं फ्रेम करा के रखूंगा। ट्रक भी आ गया। नहीं 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 पीछे 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 बैक। आराम से चढ़ेगी यार, मुझे पता है आराम से चढ़ेगी। सो गाइस फिलहाल आ चुकी है एक ट्रांजिशन, तो एक्चुअली कुछ काम पड़ गया था इमरजेंसी से, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ गया वापस। और ये देख रहे हो आप सामने, लेकर भी हम थार ही आए हैं। तो सॉरी है अगर वीडियो मुझे नहीं पता छोटी बनी है बड़ी बनी है क्या है, बट हाँ आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि भाई जिमनी की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है उसके न्यू टायर्स के साथ। ओवरऑल परफॉर्म्ड गुड, बस थोड़ा बहुत बाकी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग एंड बाकी कीप। Thank you.